नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद वो सिर्फ आईपीएल 2021 में मैदान में खेलते दिखे थे। इसके बाद उन्होंने दुबई में ही कुछ समय बिताया, लेकिन आजकल वो रांची में अपने फार्म हाउस में नजर आते हैं। धोनी भले ही क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन प्रशंसकों में उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता है। फिलहाल धोनी आईपीएल 2021 में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले वो शुक्रवार को देवी मां की शरण में पहुंचे। पूर्व कप्तान शुक्रवार को रांची से थोड़ी दूर तमाड़ में स्थित पवित्र देवड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। धोनी करीब 22 मिनट तक मंदिर के प्रांगण में रहे। यहां मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज पांडा और पंडित नरसिंह पांडा ने उनके साथ देवी मां की पूजा कराई और चढ़ावा चढ़ाया। धोनी के मंदिर में पहुंचने पर वहां कतार में खड़े श्रद्धालु काफी उत्साहित हो गए और उनकी झलक पाने के लिए बेताब दिखे। माही की खबर सुनते ही उनके प्रशंसक भी भारी तादाद में वहां पहुंच गए और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। धोनी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और तस्वीरें खिंचवाई। बता दें, देवड़ी मंदिर रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में स्थित है। यह माँ दुर्गा का भव्य मंदिर है जो 700 साल पुराना है। इस मंदिर में दुर्गा माता की 16 भुजाएं हैं जो अपने आप में बेहद पौराणिक है। आपको बता दें, धोनी अपने करियर की शुरुआत से ही देवड़ी माँ के दर्शन करने आते रहे हैं। आपको बता दें, जब भी वो रांची में रहते हैं अपना समय जरूर निकालते हैं देवी माँ की शरण में आने के लिए। आपको बता दें, जल्द ही आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में ही होने जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक आईपीएल की डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है 11 अप्रैल से इस साल का आईपीएल शुरू होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।